राजनीति को जानते और समझते हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी ने कमलनाथ के नाम को मंजूरी दे दी है। भोपाल में विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। कमलनाथ को कमान है, भोपाल में इसका ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहीं से ऐलान किया जाएगा, यानी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। राहुल गांधी ने कमलनाथ के नाम को मंजूरी दे दी है। यहां भी दो नाम थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, लेकिन कमलनाथ का नाम आगे निकलकर सामने आया है। खबरें ऐसी चल रही थी कि कुछ लोग कुछ विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने कमलनाथ के नाम का ऐलान कर दिया है, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार पुष्कल, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ऐलान तो कर दिया गया है, कैसे मैनेज किया गया दूसरे बड़े नेताओं को? देखिए राहुल, जैसा हाल राजस्थान में था वही हाल मध्य प्रदेश का भी था कि एक अनुभवी राजनेता ज्योतिरादित्य के सामने थे, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो उनके पर्यवेक्षक थे वेणुगोपाल, वो सीधे दिल्ली आए थे, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उन्होंने पूरे जो सर्कमस्टेंसेस जो बने थे उन्होंने उनके साथ जिक्र किया, और साफ तौर पे राहुल गांधी ने भी समझा, पार्टी ने भी समझी कि कोई अनुभवी राजनेता को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाए, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ उसके लिए बहुत प्रयुक्त राजनेता थे, और अंततः राहुल गांधी ने इस पर फाइनली निर्णय ले लिया कि कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इसके लिए 6 बजे जो पार्टी का दफ्तर है भोपाल, वहाँ से मुख्यमंत्री की आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा कि कमलनाथ। कहीं ना कहीं फिर एक बार अनुभव वर्सेस युवा जो तरजीह देने की बात है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अनुभव को ज़्यादा तरजीह दी है, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं चूंकि 2019 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं। चलिए बिल्कुल कुमार पुष्कल, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, यानी अनुभवी व्यक्ति को तरजीह दी गई है। इधर रायबरेली से बड़ी